बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आवर सब्जेक्ट इज़ एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1, बीएस जूलॉजी 4th, एंड आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर सेरी शुमर। टुडेज लेक्चर इज़ लेक्चर नंबर 11 एंड द टॉपिक इज़ इन्वर्टिब्रेट्स नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने नर्वस सिस्टम का जो है वो चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने न्यूरॉन्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया था, हमने नर्व इम्पल्स को डिस्कस किया था, एक्शन मेम्ब्रेन और जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था उसको जो है वो डिटेल में डिस्कस किया, साइनेप्सिस को देखा। अब हमने जो है वो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के नर्वस सिस्टम को जो है वो डिटेल में डिस्कस करना है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज़ द नर्वस सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, फाइलम्स आ जाते हैं, उनका जो जनरल नर्वस सिस्टम का प्लान है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है सिंपलेस्ट हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटोजोआ और स्पंजीज हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट एनिमल्स आ जाते हैं इनके अंदर। ऑल सेल्स रिस्पॉन्ड टू सम स्टिमुलाई। जितने भी हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो किसी न किसी स्टिमुलाई को ज़रूर रिस्पॉन्स करते हैं एंड रिले इन्फॉर्मेशन बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है, कि जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है वो रिलाई कर रहे होते हैं और जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल रही होती हैं। थस इवन व्हेन नो नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट सच एज इन द प्रोटोजोआ एंड स्पंजीज, कोऑर्डिनेशन एंड रिएक्शन टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई डू अकर। ठीक है, कि ये जो हमारा प्रोटोजोआ और स्पंजीज का फाइलम है, इनके अंदर बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कोई प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं होता, कोई रियल नर्वस सिस्टम इनके अंदर नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जो है वो कोऑर्डिनेशन इनके अंदर होती है, ये एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई को जो है वो रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए कोई ना कोई प्रॉपर जो है वो एक सिस्टम है जिसके थ्रू वो कोऑर्डिनेशन करते हैं। जैसा कि एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, द रेगुलर बीटिंग ऑफ प्रोटोजोन सीलिया, जैसे कि पैरामीशियम के अंदर सीलिया उसकी पूरी बॉडी को कवर किए होते हैं और वो पूरी बॉडी के अंदर जो सीलिया की मूवमेंट है वो कोऑर्डिनेटेड होती है, जिसकी वजह से जो है वो पैरामीशियम लोकोमोट करता है। द रेगुलर बीटिंग ऑफ प्रोटोजोन सीलिया और द रिस्पॉन्स ऑफ फ्लैजिलेट्स टू वेरिंग लाइट इंटेंसिटीज रिक्वायर इंट्रा सेलुलर कोऑर्डिनेशन। ओबियसली सेल के अंदर किसी न किसी तरह कोऑर्डिनेट हो रही है, कोऑर्डिनेशन हो रही है, तभी तो जो सीलिया हैं वो एक रेगुलर मैनर में जो है वो बीट कर रहे हैं और फ्लैजिला जो है वो लाइट की इंटेंसिटीज़ को कंट्रोल कर रहा है, लाइट की इंटेंसिटीज़ को सेंस कर रहा है। इट मीन्स इनके अंदर जो है वो नर्वस सिस्टम किसी न किसी हद तक जो है वो आप कह सकते हैं इनके अंदर कोऑर्डिनेशन हो रही है, लेकिन कोई प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैव ट्रू नर्वस सिस्टम। जिनके अंदर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है जम लेयर्स, मतलब दो लेयर्स हैं जैसे कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और ट्रिप्लोब्लास्टिक जिनके अंदर तीन जम लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, उनके अंदर जो है वो आप कहते हैं कि नर्वस सिस्टम एवॉल्व हुआ है। दिस क्लियरली एक्सक्लूड्स द प्रोटोजोआ एंड स्पंजीज, क्योंकि इनके अंदर टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं है। और हम कहते हैं कि नर्वस सिस्टम, ट्रू नर्वस सिस्टम उन्हीं एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है जिनके अंदर ट्रू टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई है। ये जो प्रोटोजोआ और स्पंजीज हैं, इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अंदर सेल्स एग्रीगेट होकर टिश्यूज़ नहीं बना रहे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो नर्वस सिस्टम है, जो ट्रू नर्वस सिस्टम है, ये उन्हीं एनिमल्स के अंदर एवॉल्व होगा जिनके अंदर ट्रू टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। थस नर्वस सिस्टम इज़ एब्सेंट इन प्रोटोजोआ एंड स्पंजीज। ठीक है, कि प्रोटोजोआ और स्पंजीज में ये एब्सेंट है। जैसे यहाँ पर आपको सीलरी मूवमेंट दिखाई गई है, कोऑर्डिनेटेड वेव पासिंग अलोंग द रो ऑफ सीलिया। ठीक है, वेव ऑफ पावर स्ट्रोक, वेव ऑफ रिकवरी स्ट्रोक, डायरेक्शन ऑफ एनिमल मूवमेंट। ठीक है, कि ये जो डायरेक्शन पावर स्ट्रोक और रिकवरी, जैसे मैंने आपको बताया था 4/5 जो है वो बीटिंग ऑफ सीलिया होता है, जिसको आपने डिटेल में पैरामीशियम के अंदर डिस्कस भी किया था कि 4/5, मतलब पहले 4 पेयर्स बीट करते हैं, फिर 5 पेयर्स बीट करते हैं, पहले पावर स्ट्रोक होता है, फिर रिकवरी स्ट्रोक होता है और एनिमल्स जो है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है। तो ये सारी की सारी जो सीलिया की मूवमेंट है, दैट इज़ कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, लेकिन इनके अंदर कोई नर्वस सिस्टम प्रॉपर मौजूद नहीं है। उसके बाद हमारे पास ये जो जितने भी जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स हैं, प्रोटोजोआ और स्पंजीज के अलावा जो हायर वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर हम कहते हैं 5 जनरल एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स हैं नर्वस सिस्टम के। ठीक है, 5 जनरल एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, जैसे कि नाइडेरियंस के अंदर सबसे पहला हमें ट्रेंड नज़र आता है नर्व नेट की सूरत में। ठीक है, कि इनके अंदर नर्व नेट पाया जाता है। ऑफ ऑल एनिमल, नाइडेरियन हाइड्रास, जेलीफिश, सी एनीमोन हैव द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नर्वस ऑर्गेनाइजेशन। नाइडेरिया जिसके अंदर हम कह रहे हैं, जिसके अंदर हाइड्रा आ जाते हैं, जेलीफिश है, सी एनीमोन है, इनके अंदर नर्वस सिस्टम बहुत सिंपल होता है नर्व नेट की सूरत में। मीन्स के नर्व नेट का ही देखें, गुच्छा सा एक नेटवर्क सा बना होता है जो इसकी पूरी बॉडी के अंदर बिखरा होता है, जैसे आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है।
दीज एनिमल्स हैव अ नर्व नेट ऑफ अ लैटिस वर्क. लैटिस वर्क मतलब एक बिल्कुल आप कह सकते हैं एक नेटवर्क बिछा हुआ, एक जाल बिछा हुआ है इसकी बॉडी के अंदर, और जो कि इम्पल्सिस को कंडक्ट करवा रहा होता है फ्रॉम नाइडेरियंस वन एरिया टू अनदर, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जो है इसके पूरे बॉडी को मैसेजेस पहुंचा रहा होता है. लेकिन इसके अंदर कोई ब्रेन मौजूद नहीं होता, कोई प्रॉपर इसके अंदर ब्रेन नहीं है, कोई इसके अंदर जो है वो लोकल क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स नहीं है. सिंपल जो है आप कह सकते हैं कि नर्व स्टिमुलस जो है वो इनिशिएट होता है, जो कि इसकी पूरी नर्व नेट को स्टिमुलेट कर देता है, जो कि इसकी पूरी बॉडी के अंदर बिखरी हुई होती है. इन जेली फिश दिस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ इन्वॉल्व इन स्लो स्विमिंग मूवमेंट्स. जेली फिश की जो स्लो स्विमिंग मूवमेंट है ये नर्व नेट उसे हेल्प करता है, एंड इन कीपिंग द बॉडी राइट अपसाइड, मतलब जो इसकी पूरी बॉडी जो है वो अपसाइड की तरफ एक जो है वो पोजिशन मेंटेन किए हुए है, वो इसी नर्व नेटवर्क की वजह से है. ठीक है, और इसके अलावा इसकी पूरी बॉडी के अंदर ये नर्व नेटवर्क बिखरा होता है और इसको जो है वो कोऑर्डिनेट करवा रहा होता है हाइड्रास के अंदर, जेली फिशेज़ के अंदर या फिर सी एनिमोन्स के अंदर. और एज अ होल हम नाइडेरियंस के अंदर कह रहे हैं कि इनके अंदर नर्व नेटवर्क जो है वो एज अ नर्वस सिस्टम काम कर रहे हैं. उसके बाद एकिनोडर्म्स की बात करें, जो कि हमारे पास एक वेल डिवेलप्ड इनवर्टिब्रेट का फाइला है. एकिनोडर्म्स जिसके अंदर सी स्टार्स हैं, सी अर्चिन्स हैं, सी कोकम्बर्स हैं, स्टिल हैव नर्व नेट्स. इनके अंदर भी अभी तक नर्व नेट है बट ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी. लेकिन चूंकि ये आप कहते हैं कि एक वेल डिवेलप्ड फाइलम है इसीलिए इनके अंदर कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन है नर्व नेट ही. ठीक है, जैसे कि नर्व नेट इनके अंदर तीन तरह के नर्व नेट्स हैं. पहला है द वन दैट लाइ जस्ट अंडर द स्किन. ठीक है, कि एक ऐसी नर्व नेट है जो कि डायरेक्टली इनकी स्किन के नीचे मौजूद होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सर्कुमोरल रिंग एंड फाइव सेट्स ऑफ नर्व कॉर्ड्स रनिंग आउट ऑफ द एनिमल्स आर्म. ठीक है, इनकी फाइव आर्म से जो है वो फाइव नर्व कॉर्ड्स निकल रही होती हैं और सर्कुमोरल रिंग इनकी स्किन के डायरेक्ट नीचे जो है वो मौजूद होती है. इट गिव्स ऑफ नर्व कॉर्ड, दीज नर्व कॉर्ड रन्स इन ईच आर्म ऑफ द स्टार फिश. उसके बाद दूसरी हमारे पास सेकेंड जो इनके अंदर नर्व नेट है, सेकेंड नेट कंट्रोल्स द मसल, इट इज़ प्रेजेंट द स्किन प्लेट्स. ठीक है, बिलो द स्किन प्लेट्स जो है ये मौजूद होती हैं. अनदर नेट सर्व्स द मसल्स बिटवीन द स्किन प्लेट्स कॉल्ड ओसिकल्स. कि इसकी जो स्किन की आपको पता है कि इसका जो स्केलेटन है वो स्मॉलर बोन से मिलकर बना हुआ है, दैट आर कॉल्ड एज ओसिकल्स. और इन ओसिकल्स को जो है वो इनके दरमियान में एक नर्व नेट मौजूद होता है जो कि मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है. और जो थर्ड नेटवर्क है, द थर्ड नेट कनेक्ट्स द ट्यूब फीट. ट्यूब फीट जो कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट है. ट्यूब फीट जब हमने वाटर वेस्कुलर सिस्टम डिस्कस किया था काइनोडर्म या फिर स्टार फिश के अंदर, उसके अंदर हमने ट्यूब फीट की भी बात की थी कि ये लोकोमोशन में भी इन्वॉल्व है, वाटर इसके अंदर आता है रेडियल कैनाल्स के थ्रू. अब हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, फिलहाल हम यहाँ पर नर्व नेट की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर भी नेट जो है वो नर्व नेट मौजूद होता है. तो एकिनोडर्म्स के अंदर भी स्टिल नर्व नेटवर्क ही पाया जा रहा है, जैसे कि हमने नाइडेरियंस के अंदर जो कि सिंपलेस्ट फाइला था उसके अंदर देखा था, और अभी इसके अंदर एकिनोडर्म्स के अंदर भी नर्व नेटवर्क ही है. लेकिन डिफरेंस क्या आ गया है कि इसके अंदर जो है वो तीन तरह के नर्व नेटवर्क्स हैं. एक जो सर्कुमोरल रिंग की सूरत में इसकी स्किन के डायरेक्ट नीचे पाया जा रहा है, और एक ओसिकल्स के दरमियान में पाया जा रहा है, और थर्ड जो है वो ट्यूब फीट में पाया जा रहा है. थस दे हैव कम्प्लेक्स कम्प्लेक्सिटी ऑफ नर्व नेट. इसके अंदर जो है वो कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है. इसके अंदर यूज़फुल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने के लिए ये जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं. इसके अंदर सेंट्रल कोऑर्डिनेशन होती है, जैसे कि अगर सी स्टार जो है वो टर्नड ओवर हो जाती है, मतलब इसकी जो नीच वेंट्रल साइड है वो अबव आ जाती है, तो ये अपनी बॉडी को दोबारा से मेंटेन कर सकती है, दोबारा से अपराइट जो है वो मेंटेन कर सकती है, दोबारा से टर्न ओवर कर सकती है. इट मींस कि इसके अंदर सेंट्रल कोऑर्डिनेशन मौजूद है. ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास जो है वो सेकेंड ट्रेंड है नर्वस सिस्टम का. पहला ट्रेंड हमारे पास नर्व नेटवर्क हो गया, सेकेंड ट्रेंड है सेफलाइजेशन. Thus the second trend in nervous system evolution involves the cephalization. मैंने आपको बताया पांच हमारे पास ट्रेंड्स हैं. पहला ट्रेंड नर्व नेटवर्क का था, सेकेंड हमारे पास ट्रेंड है cephalization. सेफलाइजेशन कहते हैं कि जो है वो एंटीरियर एंड पर जो है वो आप कह सकते हैं एकुमुलेशन हो जाती है, कंसंट्रेशन हो जाती है रिसेप्टर्स की, नर्वस टिश्यूज़ की, दैट इज़ कॉल्ड एज सेफलाइजेशन, विच इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ रिसेप्टर्स एंड नर्वस टिश्यूज़ इन द एनिमल एंटीरियर एंड. कि एनिमल का जो एंटीरियर एंड है, जो हेड वाली साइड है, उसकी उस जगह पर जो है वो रिसेप्टर्स की एकुमुलेशन हो गई है, नर्वस टिश्यूज़ की एकुमुलेशन हो गई है, सो इट इज़ कॉल्ड एज सेफलाइजेशन. जैसे कि फ्लैट वर्म्स के अंदर हमें ये नर्वस सिस्टम नज़र आता है. फ्लैट वर्म जैसे कि प्लेनेरिया के अंदर मोस्ट कॉमन हमें ये नज़र आता है. सम एनिमल्स लाइक फ्लैट वर्म्स
फ्लैट वर्म्स आर राउंड और राउंड वर्म्स मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं क्योंकि इनके जो फॉरवर्ड एंटीरियर एंड है उसके ऊपर रिसेप्टर्स की कंसंट्रेशन होती है। इट कंटेन्स गैंग्लिया विच आर डिस्टिंक्ट एग्रीगेशन ऑफ नर्व सेल्स। गैंग्लिया किसे कहते हैं? एग्रीगेशन ऑफ नर्व सेल, मतलब नर्व सेल्स इकट्ठे होकर गैंग्लिया बनाते हैं। इन द हेड रीजन गैंग्लिया फंक्शंस एज प्रिमिटिव ब्रेन, ठीक है, कि गैंग्लिया प्रिमिटिव ब्रेन का काम करता है। डिस्टिंक्ट लेटरल नर्व कॉर्ड, इसी जो है वो गैंग्लिया से जो है वो लेटरल नर्व कॉर्ड्स निकल रही होती हैं। ऑन ईदर साइड ऑफ द बॉडी कैरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरीफ्री टू द हेड गैंग्लिया, ठीक है, कि ये साइड से इन्फॉर्मेशन लेकर दोबारा हेड तक भी पहुंचाती हैं। एंड कैरी मोटर इम्पल्सिस, और जो है ये हेड के रीजन से मोटर इम्पल्सिस को दोबारा से पेरीफ्री के रीजन्स में पहुंचाती हैं फ्रॉम द हेड गैंग्लिया बैक टू द मसल्स, अलाउइंग द एनिमल टू रिएक्ट टू द इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, जिसकी वजह से एनिमल्स जो है वो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है। तो हम कह सकते हैं कि इनके अंदर डिस्टिंक्ट एग्रीगेशन है नर्व सेल्स की हेड रीजन के अंदर, जो कि प्रिमिटिव ब्रेन का काम कर रहा है। इनके अंदर लेटरल नर्व कॉर्ड्स हैं जो साइड्स में अराइज हो रही हैं, जो कि बॉडी की इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाती है, मींस के हेड तक पहुंचाती हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन, और फिर जो है वो हेड से मोटर इन्फॉर्मेशन या फिर आप कह सकते हैं इम्पल्स, मोटर इम्पल्स लेकर जो है वो डिफरेंट मसल्स तक पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से एनिमल जो है वो डिफरेंट स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है। जैसे आप देखते हैं कि फ्लैट वर्म्स हैं हमारे पास, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं क्योंकि इनके जो सेंस ऑर्गन हैं वो हेड के रीजन में कंसंट्रेटेड होते हैं, और जितने भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई हैं वो हेड का रीजन जो है उस इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को रिसीव करता है। और ये हमारे पास सेकंड ट्रेंड है एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम का, जिसके अंदर सेफलाइजेशन हुई है, और ये स्पेशली जो है वो फ्लैट वर्म्स के अंदर मौजूद है। उसके बाद हमारे पास इन अदर वर्टिब्रेट्स सच एज क्रस्टेशियन, सेगमेंटेड वर्म्स एंड आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, इनके अंदर हमारे पास जैसे कि क्रस्टेशियन जो कि मोलस्का आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, सेगमेंटेड वॉर्म्स हैं जो कि एनेलिडा से बिलोंग करते हैं, फाइलम एनेलिडा से, और इसके अलावा आर्थ्रोपोडा हमारे पास एक अलग फाइला है। एक्सोन्स ज्वाइन इनटू अ नर्व कॉर्ड, अब ये जो नर्व कॉर्ड है हमारे पास इनके अंदर मौजूद है। एंड इन एडिशन टू अ स्मॉल सेंट्रलाइज्ड ब्रेन, स्मॉलर पेरिफ्रल गैंग्रिया हेल्प कोऑर्डिनेट आउटलाइंग रीजन्स ऑफ द एनिमल बॉडी। इन सब के अंदर आप कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जो कि डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स। तो ये हमारे पास थर्ड ट्रेंड है इनके अंदर नर्वस सिस्टम का, दैट इज़ इंटर न्यूरॉन, के ये जो हमारे क्रस्टेशियंस हैं, सेगमेंटेड वॉर्म हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, इनके अंदर एडवांस नर्वस सिस्टम है। एक्सोन्स ज्वाइन इनटू नर्व कॉर्ड, एक्सोन्स इकट्ठे होकर नर्व कॉर्ड बनाते हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, और इनके अंदर स्मॉल सेंट्रलाइज्ड ब्रेन है, स्मॉलर पेरिफ्रल गैंग्लिया हैं जो साइड्स पर मौजूद हैं। दीज गैंग्लिया कोऑर्डिनेट द आउटर रीजन ऑफ बॉडी, क्योंकि ये साइड्स पर मौजूद हैं तो ये आउटर रीजन्स को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा गैंग्लिया जो है वो हर सेगमेंट के अंदर है, जैसे हमने कहा कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड है तो इनके हर सेगमेंट में जो है वो गैंग्लिया पाया जाता है, और या फिर ये पूरी बॉडी के अंदर बिखरा भी हो सकता है, सेपरेटेड या स्कैटर्ड भी हो सकता है। दीज गैंग्लिया शो फोर्थ एवोल्यूशनरी ट्रेंड, ठीक है, कि ये इंटर न्यूरॉन का हमारे पास जो है थर्ड एवोल्यूशनरी ट्रेंड है, ठीक है। और इसके अलावा इंटर न्यूरॉन हमारे पास गैंग्लिया के अंदर ही जो है वो इंटर न्यूरॉन पाए जाते हैं, और ये इंटर न्यूरॉन कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम इनके अंदर बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये कम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न्स को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ब्रेन, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, गैंग्लिया, पेरिफ्रल नर्व्स और द अर्थ वॉर्म इन एंड एनिमल लीड वॉर्म, ठीक है। यहाँ पर आपको ए के अंदर जो है वो क्रस्टेशियन दिखाया गया है, ठीक है, और ये डी के अंदर आपको क्रस्टेशियन, ये वाला जो डी है ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर आपको क्रस्टेशियन दिखाया गया है। सी के अंदर आपको ब्रेन, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, गैंग्लिया दिखाया गया अर्थ वॉर्म का, और ई के अंदर आपको दिखाया जा रहा है सेफेलोपोड, जो कि मोलस्का से बिलोंग करता है, हैव ब्रेन एंड बिहेवियर एज कम्प्लेक्स एज दोज ऑफ फिशेज, ठीक है। इसके अंदर जो है वो इतना कम्प्लेक्स ब्रेन होता है जैसे वर्टिब्रेट्स का ब्रेन है, कि ये किसी ना किसी तरह से बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज शो कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर इंटर न्यूरॉन्स हैं जो इनके गैंग्लियाज को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, कि एक तो गैंग्लिया तो इनके अंदर मौजूद ही हैं, लेकिन इनके गैंग्लिया को भी आपस में कनेक्ट करवाने के लिए इंटर न्यूरॉन्स इनके अंदर पाए जा रहे हैं, जो कि कम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न्स को जो है वो एवॉल्व करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास एकिनोडर्म्स का ही थोड़ी सी इसकी मज़ीद डिटेल है। इन स्टारफिश द एक्टो न्यूरल सिस्टम रिटेन अ प्रिमिटिव एपिडर्मल पोजीशन, इनके अंदर जो है वो एक्टो न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। अगर हम जो है वो एग्जांपल लें सी स्टार या फिर स्टार फिश की, उनके अंदर हम कहते हैं कि एकिनोडर्म जैसे कि स्टार फिशेज हैं, उनके अंदर हम नर्वस सिस्टम को तीन पार्ट्स में या सेवरल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक्टो न्यूरल सिस्टम है, इट रिटेन्स अ प्रिमिटिव एपिडर्मल पोजीशन, एपिडर्मल पोजीशन की तरह ही है। इट कम्बाइन सेंसरी एंड मोटर फंक्शन, और इसका काम सेंसरी और मोटर फंक्शंस को कैरी आउट करना है, मतलब ये रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेता है,
और फिर उसको प्रोसेसिंग के बाद जो है वो उसके ऊपर एक्शन भी करवाता है, मतलब मोटर रिस्पॉन्स भी जनरेट करवाता है। अ रेडियल नर्व एक्सटेंड डाउन द लोअर सर्फेस ऑफ ईच आर्म, ठीक है, रेडियल कॉर्ड, रेडियल जो कैनाल होती है उसके नीचे डायरेक्टली जो है वो रेडियल नर्व पाई जाती है हर आर्म में, मतलब 5 आर्म्स हैं तो 5ों में पाई जा रही होंगी। अ डीपर हाइपो न्यूरल सिस्टम हैज़ अ मोटर फंक्शन, इनके अंदर जो डीप इनकी बॉडी है स्किन के डायरेक्ट नीचे डीपर जो है वो इनकी बॉडी के अंदर मोटर फंक्शंस एवॉल्व होते हैं। एंड द एपिकल सिस्टम में हैव सम सेंसरी फंक्शन, और इसके अलावा एपिकल सिस्टम इनके अंदर मौजूद है जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो एकाइनोडर्म का थोड़ा सा बताया गया है कि इसके अंदर एपिकल सिस्टम है, हाइपो न्यूरल सिस्टम है, एक्टो न्यूरल सिस्टम है। एकाइनोडर्म्स के हवाले से जो है वो इसके अंदर भी थोड़ा सा कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम की जो है वो मेथाडोलॉजी मौजूद है। उसके बाद हम वर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम की जो है वो बात करते हैं। वर्टिब्रेट के नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें हम कह रहे हैं कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर आपको पता है प्रॉपर ब्रेन है, प्रॉपर उनके अंदर जो है वो नर्व कॉर्ड पाई जा रही होती है, स्पाइनल कॉर्ड जो है उनके अंदर मौजूद होती है। इसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। उससे पहले हम कहते हैं कि इनके अंदर बायलेटरल सिमिट्री है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जितने भी हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं बायलेटरल सिमिट्री का उनका जो है वो नर्वस सिस्टम है। अ नोटोकॉर्ड जो कि कॉर्डेट्स के जो हमारे मरीन कॉर्डेट्स हैं उन्हीं से नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर एवॉल्व हुई है। एंड अ ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड कैरेक्टराइज द एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम, ठीक है, कि एक तो इनके अंदर बायलेटरल सिमिट्री है, नोटोकॉर्ड है और ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है। अब बायलेटरल सिमिट्री इनके नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद है और उसके अलावा नोटोकॉर्ड जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मीजोडर्मल टिश्यू से ओरिजिनेट होता है, और इसके अलावा ये जो नोटोकॉर्ड है यही फ्यूचर के अंदर वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है, कि ये जो नोटोकॉर्ड है ये मरीन कॉर्डेट्स के अंदर तो पाया जाता है लेकिन जो लैंड के कॉर्डेट्स हैं जैसे हमारे पास एम्फीबियन हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनके अंदर ये वर्टिब्रेट उनके अंदर जो है ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चेंज हो जाता है। और वर्टिब्रल कॉलम में आपको पता है वर्टिब्रीज पाई जाती हैं और उनके दरमियान में मसल्स होते हैं जिसकी वजह से ये फास्ट मूविंग एनिमल्स बन सकते हैं, मतलब इनकी अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कम्प्लेक्स बोन एवॉल्व हुई है जिसे हम बैक बोन कह रहे हैं, उसकी वजह से इनके अंदर पावरफुल जो है वो मूवमेंट ईजिली हो सकती है। उसके बाद ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की बात करें, ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इनके अंदर मौजूद होती है जो कि नोटोकॉर्ड के डायरेक्टली जो है वो अबव प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड के ऊपर पाई जा रही होती है नर्व कॉर्ड, और ये नर्व कॉर्ड एवोल्यूशन के दौरान बनी है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन आती हैं, चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से ये जो नर्व कॉर्ड है ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर यही जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर ये ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चेंज हो जाती है और इसका एंटीरियर एंड थिकन और जो है वो थोड़ा सा स्वेल कर जाता है, थिक हो जाता है एंटीरियर मार्जिन, और वही हाइंड ब्रेन के तौर पर, मिड ब्रेन के तौर पर और फोर ब्रेन के तौर पर या एज अ होल आप कहते हैं ब्रेन के तौर पर फंक्शन कर रहा होता है। इसी का जो एंटीरियर एंड है वो एज अ ब्रेन काम करता है और जो पोस्टीरियर एंड है वो एज अ स्पाइनल कॉर्ड मूव जो है वो फंक्शन कर रही होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इसके अंदर जो है वो तीन तरह की ओरिजिनेशन है, बायलेटरल सिमिट्री, ये नोटोकॉर्ड है, ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो जाती है इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट हैज़ टू मेन डिवीजन, नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स के अंदर एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इज़ द साइज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर प्रोसेस हो रही होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम कहते हैं ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ ऑल नर्व्स ऑफ द बॉडी आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जितनी भी नर्व्स बॉडी के अंदर बिखरी होती हैं उन सबको कलेक्टिवली हम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन दिखाई गई है नर्वस सिस्टम की, देखिए यहाँ पर नर्वस सिस्टम है और नर्वस सिस्टम को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आगे दो पार्ट्स हैं, दैट इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जैसे, और ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है याद रखना है आपने कि ये जो हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है या एज अ होल हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं ये ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड से ही एवॉल्व हुआ है, ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड से, ठीक है। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये क्या काम करती है, कंडक्ट सिग्नल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, मतलब ये बॉडी से सिग्नल्स लेकर
ब्रेन को पहुंचाती है और ब्रेन से सिग्नल लेकर बॉडी को पहुंचाती है एंड कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन जितने भी होते हैं, जो सडन एक्शंस होते हैं हमारे, उसको ये कंट्रोल करती है। उसके अलावा ब्रेन क्या काम कर रहा है, रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को, जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती हैं प्रोसेस करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, इनिशिएट रिस्पॉन्स मतलब मोटर रिस्पॉन्सेस को जनरेट करता है, स्टोर्स मेमोरीज को स्टोर कर रहा है, जनरेट थॉट्स एंड इमोशंस। ठीक है, इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, जिसकी ब्रेन को भी हमने फर्दर जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन इज़ रिड्यूस्ड इन ह्यूमन, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन हमारे पास मेजरली जो है वो पाया जाता है, लेकिन मिड ब्रेन जो है वो रिड्यूस होता है। ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। इसकी जो डिटेल हमने आगे जब हम ब्रेन को डिस्कस करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे ये पार्ट्स भी, लेकिन फिलहाल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हमने कहा था कि जितनी भी आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स पाई जाती हैं वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ही आती हैं, जैसे कि हमारी मोटर न्यूरॉन्स हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। आपको पता है तीन तरह के न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। ये जो इंटर न्यूरॉन है ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, मीन्स के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा बाकी जो दो बचते हैं जिसे हम मोटर और सेंसरी कहते हैं, ये आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर पाए जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर रखते हैं। मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, के ये मैसेज लेकर जाती हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, मैसेज लेती हैं और मसल्स या फिर ग्लैंड्स को पहुंचाती हैं, मींस के ये अफेक्टर्स तक मैसेज को पहुंचाती हैं। अफेक्टर्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो मसल्स या फिर ग्लैंड्स। मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्शन करके एक्शन शो करते हैं और ग्लैंड्स सिक्रीशंस के थ्रू जो है वो अपना एक्शन शो करते हैं, जबकि सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो सेंसरी ऑर्गन्स से इंफॉर्मेशन लेती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये फर्दर दो टाइप्स के हो सकते हैं, कि या तो ये खुद जो है वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती हैं, इट सेल्फ जो है वो रिसेप्टर का काम करती हैं ये न्यूरॉन्स, या फिर कुछ ऐसे सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं जो कि रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन लेकर फिर जो है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाते हैं। ठीक है, अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं इनको हम एफेरेंट नर्व्स भी बोलते हैं, एफेरेंट। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेन की तरफ इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं। और जो मोटर नर्व्स या मोटर न्यूरॉन्स होती हैं इनको हम इफेरेंट, ई से जो है वो इफेरेंट नर्व्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन को लेकर आ रही हैं, बाहर निकल रही हैं, इसलिए हम इन्हें इफेरेंट नर्व्स भी बोलते हैं। अब ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं जो कि अफेक्टर्स की तरफ जो है वो मैसेज को लेकर जाती हैं, इनकी ये भी दो तरह की हैं, कुछ हमारे पास सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाती हैं और कुछ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सोमेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो आ रही हैं उनको हम कह रहे हैं वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होता है हमारा, जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर होता है। दे सेंड कमांड टू द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, कि ये जो हमारे वॉलेंट्री सिस्टम के या जो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम है इसके अंदर सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, तो ये हमारे स्केलेटल मसल्स जो हैं इसके अंदर आते हैं, कंट्रोल्स वॉलेंट्री मूवमेंट। जैसे हमारे स्केलेटल मसल्स मूव कर रहे हैं वो इसी सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हैं, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज। इसके अंदर वो रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, विजरल होते हैं, जो इंटरनल बॉडी के जो हैं वो हमारी जो है फंक्शंस होती हैं वो इसके अंदर आते हैं, जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं है। और ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आ रही हैं, ये क्या करती हैं, दे स्टिमुलेट अदर मसल्स जैसे कि स्मूथ या फिर कार्डिक। क्योंकि आपको पता है स्मूथ मसल्स हों या कार्डिक मसल्स हों वो हमारे जो है वो कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, जबकि ये वाले जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो मसल्स आएंगे वो स्केलेटल मसल्स होते हैं जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स ने क्या काम किया, मोटर न्यूरॉन्स दो तरह की थी, एक ने मैसेज भेजा स्केलेटल मसल्स को और वो उन्होंने नर्वस सिस्टम बना दिया सोमेटिक, और दूसरी ने मैसेज भेजा या तो कार्डिक मसल्स को या फिर स्मूथ मसल्स को, इट मींस के वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है इसलिए हमने उन्हें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में रख दिया। ठीक है, अब ये या फिर ये ग्लैंड्स को भी मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है वो भी हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। द नर्व्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिवाइड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसको फर्दर जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरा सिंपैथेटिक डिवीजन। ठीक है, सिंपैथेटिक डिवीजन जो है वो हमारा फाइट और फ्लाइट का मैकेनिज्म है, मींस के कोई फ़ौरन से जो हमारे पास एक्शन हो रहा होता है, कोई फ़ाइट और फ्लाइट की सिचुएशन होती है, गुस्सा एंगर की सिचुएशन होती है,
उस दौरान जो है वो हमारा सिम्थेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो वर्किंग में होता है, जबकि पैरासिम्थेटिक डिवीजन रिलैक्स सिचुएशन में काम कर रहा होता है, जिस दौरान जो है वो रेस्टिंग की स्टेज होती है, प्रॉपर डाइजेशन हमारे अंदर हो रही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो है वो नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन थी वर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम की। अब हमने एक एक करके इन सब जो है वो पार्ट्स को भी डिटेल में डिस्कस करना है। उसके अलावा हम कहते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट हमारे पास नर्व फाइबर्स हैं, कुछ को हम ट्रैक्स का नाम देते हैं, कुछ को नर्व्स का नाम देते हैं। ट्रैक्स वो होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रैक्ट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, कि नर्व फाइबर्स को हम ट्रैक्ट कहेंगे कि अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाएंगे, उन्हें यही नर्व फाइबर्स नर्व्स कहलाएंगी अगर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाएंगे। ठीक है, एक लफ्ज़ होता है ट्रैक्ट और एक होते हैं नर्व। ये दोनों ही जो है वो नर्व फाइबर्स होती हैं, बेसिकली नर्व की फाइबर्स। अगर यही नर्व फाइबर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो हम इन्हें ट्रैक कहेंगे, और अगर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये फाइबर्स पाए जा रहे हैं तब हम इन्हें नर्व्स का नाम देंगे। ठीक है, इसी तरह से सेल बॉडी ऑफन फॉर्म क्लस्टर्स और ग्रुप। देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, न्यूक्लियाई, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेल बॉडीज़ के जो ग्रुप्स हैं उनको हम न्यूक्लियाई कहेंगे जब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होंगे, और यही सेल बॉडीज़ जो हैं वो गैंग्रिया कहलाएंगे जब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है सेंट्रल और पेरिफेरल का, ये आपने याद रखना है कि नर्व फाइबर्स अगर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में होंगे तब हम उन्हें ट्रैक कहते हैं, और अगर वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होंगे तब हम उन्हें नर्व्स कहेंगे। और उसी तरह से सेल बॉडीज़ का जो क्लस्टर्स हैं, सेल बॉडीज़ जब इकट्ठी होती हैं, एक से ज़्यादा सेल बॉडी, अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है तब हम उन्हें न्यूक्लियाई का नाम देंगे, और अगर वही सेल बॉडीज़ का क्लस्टर जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इकट्ठा हुआ है तब हम उन्हें गैंग्लियास का नाम देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है वो जनरल डिवीजन है नर्वस सिस्टम की इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स। उसी तरह से हमने इन वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो डिस्कस किया था एवोल्यूशनरी ट्रेंड, जिसमें फर्स्ट हमारे पास नर्व नेट था, सेकंड हमने सेफलाइजेशन को डिस्कस किया, ठीक है, और थर्ड हमने इंटर न्यूरॉन्स को भी डिस्कस किया, और फोर्थ और फिफ्थ जो हैं वो सिमिलर हैं वर्टिब्रेट्स की तरह के, इसलिए हमने उसको डिस्कस नहीं किया। मींस कि उनके अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री की ऑर्गेनाइजेशन है इन वर्टिब्रेट्स के अंदर भी, और उनके अंदर भी कुछ एनिमल्स या कुछ हमारे पास जो हैं वो वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं, इन वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर कम्प्लेक्स एग्रीगेशन हुई है गैंग्लिया की, और वो ब्रेन में चेंज हो गया है, बायलेटरली ऑर्गेनाइज गैंग्लिया उनके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो ये जो है वो एवोल्यूशनरी ट्रेंड है इन केस ऑफ इन वर्टिब्रेट्स। तो ये आप लोगों ने वर्टिब्रेट्स और इन वर्टिब्रेट्स के केस में कंपैरिजन के लिहाज से इनको देख लेना है, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना है। होप सो स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।